कुछ टॉप कोचेस का ये मानना है कि अब अनवर अली केवल भारत के ही नहीं मगर एशिया के बेस्ट डिफेंडर में से एक हैं। लेकिन उन्होंने अपनी 23 साल की जिंदगी में अब तक अंडर 17 वर्ल्ड कप की ऊंचाइयों से एक हार्ट कंडीशन के कारण फुटबॉल खेलने से मना कर दिए जाने की गहराइयों तक सब देखा है। इन द स्टैंड्स के इस एपिसोड में सुनिए अनवर अली की यही कहानी उन्हीं की जुबानी। Mr. Anwar Ali, welcome to In The Stands. We are आज literally in the VYBK stadium stands. ये जो stadium आपके पीछे दिख रहा है एक बार देख लो। आप तो pitch पे रहते हो तो pitch का नजरिया होता है आपका। मगर यहाँ पर बैठ के आपने stadium की शान देखी है पहले कभी? First of all, मैं first time बैठ रहा हूँ इधर। मैं हमेशा अंदर खेलता हूँ पर आज first time देख रहा हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है ये। ये stadium में खेलने अलग ही बात है क्योंकि कोलकाता का आपको पता है football बहुत पसंद है इधर के लोगों को। जब भी मैं इधर खेलता तो एक अलग vibe रहती है। आपने तो बहुत जगह खेला हुआ है। कलकत्ता तो एक जगह है। आदमपुर की बात करना चाहता हूँ। आपके रूट्स की बात करना चाहता हूँ। पिंड के लड़के हो आप। बचपन की बातें बताओ यार थोड़ी। कैसी थी अपब्रिंगिंग? घर पे माहौल कैसा था? और फुटबॉल जिंदगी में फिर कैसे आया? फुटबॉल आया मेरे पापा के थ्रू क्योंकि वो थोड़ा बहुत खेलते थे और बाकी फैमिली में किसी को मतलब नहीं है, कुछ नहीं है कि क्या है फुटबॉल, कुछ नहीं। वो लोग बोलते हैं स्टडी करो, बस वही है जैसे जो हर माँ बाप की सोच रहती है लड़का पढ़े ये वो। तो मेरे पापा ने सपोर्ट किया मेरे को फुटबॉल जर्नी में, तो उनके थ्रू ही मैं फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। एक्चुअली स्टार्ट नहीं किया, मैं क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले। अरे बाप रे। तो अच्छा। उसका कोई स्कोप नहीं था हमारे उधर क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड थी, क्रिकेट का नहीं था। पर मैं फिर भी जाता था ऐसे गली क्रिकेट टाइप जो होता है वो खेलता था। तो फुटबॉल तो लास्ट मोमेंट में स्टार्ट किया मैंने। अच्छा। जब तक मारना पड़ी तब तक। तो आपको मार भी पड़ी इस मामले में? मेरे को बहुत मार पड़ी है बचपन में पापा से। किस कारण? ऐसे ही सुबह निकल जाओ खेलने के लिए जिस दिन छुट्टी रहती है। हाँ। ये तो वैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन होता था। हाँ। उधर मार खाओ ट्यूशन टीचर से क्योंकि पढ़ने में तो बाकी सब्जेक्ट में ठीक था बट मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी। यार मैथ्स की प्रॉब्लम ना काफी यूनिवर्सल है, काफी लोग मेरे को अभी भी है। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ और आप फुटबॉलर हो, हम मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। तो बस वो सब्जेक्ट को लेके मार पड़ती थी, फिर जाओ ट्यूशन के बाद स्टार्ट रहते थे, यूज़ नहीं करता क्योंकि क्रिकेट खेलने चले जाता था। अरे बाप रे बाप। तो फिर बस फिर ऐसे एक दिन पापा ने पकड़ा कि क्योंकि लेट आता था मैं खेल के क्रिकेट खेल के क्योंकि बाकी सब जो मेरे कज़न है वो लोग आ जाते थे खेल के फुटबॉल। तो एक दिन पापा गए देखने के लिए तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो वो दूसरे फिर उसने कुछ नहीं बोला पापा ने, तो ऐसे थोड़ा बहुत बोला तू कहाँ था कैसे था ये वो। मैंने बोला मैं तो फुटबॉल खेल रहा था। ये अब पड़ी डांट इसके बाद। तो फिर दूसरे दिन मैं गया तो पापा ऐसे जासूस जैसे पीछा कर रहे थे। तो मैं ट्यूशन के बाद जो बैग है मेरा किट बैग वो स्टेयर के नीचे रख दिया छुपा के, जो गांव के ग्राउंड रहती है तो बाहर थोड़े ऐसे जंगल टाइप रहता है तो उधर छुपा दिया और मैं खेलने चला गया क्रिकेट। पापा ने देख लिया, चलो जी क्रिकेट ग्राउंड से लेके मतलब ग्राउंड नहीं ऐसे स्कूल में खेलते थे तो साथ में फुटबॉल ग्राउंड था, तो उधर से फुटबॉल ग्राउंड तक जो पड़ी ना मेरे को याद है क्योंकि सबके सामने पड़ी तो एम्बेरस था थोड़ा क्योंकि इसको टफ लव भी कहते हैं, वो आपको प्यार से सिखाना भी चाहते हैं। वो समझ अभी है ना, उस टाइम तो फिर गुस्सा ही आता था। पर गुस्सा आता था कुछ कर नहीं सकते। पापा है वो एक उधर से फिर उसके नेक्स्ट डे से मैंने पूरा फुटबॉल को चूज किया। अच्छा। पहले गांव से फिर धीरे धीरे आगे तो ट्रायल वगैरह का पता चला तो 11 साल की उम्र में मैंने ट्रायल्स देना चालू कर दिया था। तो पहले एक दो साल रिजेक्ट हुआ हूँ क्योंकि एक उधर एक मालपुर अकेडमी है तो उधर गया था तो रिजेक्ट हुआ। दूसरे साल भी रिजेक्ट हुआ। जो मेरा कज़न भाई था वो ऑलरेडी उधर सेलेक्ट था तो उसको मैंने बोला, मेरे घर वालों ने बोला उसके पापा को कि थोड़ा बात कर लो। तो फिर खेला, फिर अच्छी किस्मत थी मेरी कि 6 महीने रहा तो मेरे को पंजाब नेशनल स्टेट नेशनल मेरे को चांस मिला। स्टेट नेशनल खेला तो मैं स्ट्राइकर खेलता था, इसीलिए आपका टच इतना अच्छा है। बचपन में स्ट्राइकर खेलता था तो मैंने स्कोर वगैरह किया अंडर 14 नेशनल टीम में, मतलब स्टेट नेशनल। तो उसके बाद मेरे को नेशनल टीम में बुला लिया अंडर 14। तो फिर उधर से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। जैसे मैं नेशनल टीम में गया अंडर 14 तो हमारा AFC था तब, तो हम लोग गए ईरान खेलने। तो मेरा वो पहला ट्रिप था और फ्लाइट में ये हुआ, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे फ्लाइट में क्योंकि ट्रेन में सफ़र करते थे तो वेट टिश्यू रहता है वो पूरा रैप में रहता है। तो मैं और एक और लड़का था, हमने लगा चिंगम है
उसको निकाला और खा गए। बाद में पता चला कि ये टिश्यू, क्योंकि आइडिया नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं था ये सब, तो वो एक्सपीरियंस टाइप था लाइफ का। और फिर अब बात करते हैं अंडर 17 वर्ल्ड कप की। नई दिल्ली में आपके 3 मैचेस थे, फर्स्ट मैच अगेंस्ट यूएसए, सेकंड मैच अगेंस्ट कोलंबिया एंड थर्ड मैच अगेंस्ट गाना। अब उस यूएसए वाले मैच में एक मोमेंट मुझे याद है, आप जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप ही बता दीजिए। सबको याद है, आप ही बता दीजिए। वो मोमेंट ये था कि लाइक चांस मिला था मेरे को स्कोरिंग का, तो स्कोर नहीं, पोस्ट पे लग गया, बैड लक था वो मेरा। अगर स्कोर हो जाता तो शायद गेम पलट जाता, बट क्योंकि उस समय गेम 2-0 पे था। हाँ, 2-0 पे, 2-1 हो सकता था, टफ हो जाता उनके लिए, यूएसए लोग के लिए। तो पोस्ट पे लगा और उल्टा ही हम लोग को गोल हो गया वापस वो। तो वो सैड मोमेंट था, पर एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतनी बड़ी टीमों के साथ खेलना और फर्स्ट टाइम था मेरा कि ये सब बड़ी टीमों के साथ अगेंस्ट खेलना, तो वर्ल्ड कप एक सबसे लाइक ड्रीम जैसा था। मगर फिर एक साल बाद आप गए कोटिफ टूर्नामेंट खेलने और वहां पर आपने स्कोर किया अर्जेंटीना अंडर 20 टीम के अगेंस्ट। उस मैच की आपकी क्या याद है ये बताइए मेरे को। वो जो स्कोर है मैंने किया हुआ, अच्छी बात है किया है, क्योंकि मेरे को खुद पे यकीन नहीं था कि मैं करूँगा। एक्चुअली मेरे को फ्री किक लेना बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं मिनर्वा में था तो उधर लेता रहता था, तो उधर मैंने कैप्टन हमारा अमरजीत था, तो उसको बोला मेरे को एक चांस दे, मैं ट्राई करता हूँ इधर से। तो मैंने ट्राई किया, शुक्र है कि गोल हो गया वो। तो उसके बाद जो फीलिंग है वो बता नहीं सकते, क्योंकि एक वर्ल्ड रैंकिंग टीम को आप हराओगे तो स्कोर करोगे तो बहुत बड़ी बात है। तो मैच के बाद सब बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे लिए ऐसा था कि हम लोगों ने फाइनल जीत लिया। तो ये हो गई आपकी करियर की शुरुआत अनवर, बट आफ्टर दैट देयर वर क्वाइट अ फ्यू लोज। आपने मुंबई सिटी एफसी के साथ साइन किया, मगर दैट वाज द फर्स्ट टाइम योर हार्ट कंडीशन वाज डिटेक्टेड। आपको पहली बार कब पता चला था दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर हार्ट कंडीशन? एरोस में हम जितने भी थे सबका ड्रीम था आईएसएल खेलना, मेरा भी वही था कि आईएसएल खेलना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम लोग ने देखा यंग प्लेयर ऑलरेडी उधर थे, तो हमने सोचा कि हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया मुंबई सिटी एफसी में, मतलब ऑफर आया तो उधर गया था मैं, तो उधर एक मेडिकल टेस्ट हुआ था, तो उसमें मेरा कंडीशन पहले एक दो हफ्ता वो लोग ने बताया नहीं मेरे को, मैं टेस्ट पे टेस्ट कराता रहा, मतलब वो लोग करवाते रहे मेरा कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ जाए, पर एवरी टाइम सेम ही रिजल्ट आ रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि तेरा हार्ट कंडीशन है, तेरे को रजिस्टर नहीं कर सकते। तो उसके बाद पता नहीं चला मेरे को कि क्या हो गया क्या नहीं, क्योंकि सडनली आप अगर आपका करियर स्टार्ट हो रहा है उधर ही ख़त्म हो गया, तो वो ऐसा मूवमेंट था मेरे लिए कि अभी मैं ये सोचने लग गया कि मैं क्या करूँगा अभी अगर फुटबॉल नहीं खेला ये वो, तो बहुत सारी थॉट थी। वो बोला सबसे गंदा टाइम है मेरा लाइफ का। गुस्सा आया आपको? गुस्सा तो बहुत आया, पर क्या करे, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गलती तो किसी की नहीं है उस पर, वो मेडिकल है, ऊपर वाली की मर्जी थी। तो गुस्सा आया, मैं किसी से बात नहीं करता था, तो फ़ोन पे भी मेरे को बात करना पसंद नहीं था, लाइक अच्छा नहीं था लगता कि बात करूँ, क्या बात करूँ, पूछेंगे वो कि कैसा चल रहा है फुटबॉल ये सब, क्योंकि टीम वाले भी पूछते थे कब से ट्रेनिंग कर रहा तू, तो मैं रोज़ सुन सुन के वो थक गया था। मैं रूम में रहता था, खाना वगैरह रूम से, मतलब एक दोस्त बनाया था आसिफ करके, तो उसको बोलता था वो खाना ले आता था मेरे लिए, क्योंकि बाहर जाने में मन नहीं करता था, क्योंकि आपको पता ही अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो कोई ना कोई पूछेगा, तो वही चीज़ को लेके मैं नहीं जाता था, तो रूम में रहता था पूरा दिन। तो घर वालों से भी बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि अगर उनको बताता वो लोग अलग शौक होते हैं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी शौक था, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले भी शौक रहे। तो उनको यही बोला कि ऐसे इंजरी है छोटी टाइप, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो मैंने फिर रंजीत सर से बात की, क्योंकि उन पे मेरे को थोड़ा ट्रस्ट था, क्योंकि उनके थ्रू ही मैं इधर तक पहुंचा था। तो उनसे बात की, उन्होंने हेल्प की मेरी, मोटिवेशन किया मेरे को, बताया कि तू टेंशन मत ले, जो भी होगा अच्छा ही होगा, तू वापस आ जा, मैं अपनी टीम में खिलाऊँगा। तो उसका मैंने जब साल ख़त्म हो गया एक साल, तो टर्मिनेट किया कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं चले गया। उस टाइम नया नया कोविड आया था, ऊपर से उसका दिमाग ख़राब अलग था, क्योंकि सब कुछ बंद था, कहीं नहीं जा सकते थे। तो फिर घर गया, घर पे पड़ा रहा मैं, पर थोड़ा थोड़ा करता रहा मैं अपना। फाइनली कोविड ठीक हुआ, थोड़ा गैप मिला, तो गया मैं चंडीगढ़, तो उधर गया, फिर ट्रेनिंग किया अच्छे से मैंने। टेक्ट्रो एक नया क्लब खोला स्वदेश, हाँ, हिमाचल लीग के लिए, तो फिर उसमें खेला था मैं। एक अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप बड़े लेवल से सीधे नीचे लेवल खेलोगे तो बहुत बुरा लगता है। तो मेरा भी वही था, पर क्या कर रहे, अभी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने खेला वो। फिर पंजाब लीग खेली, दिल्ली लीग, तो उधर से चलता रहा फिर मेरा ऐसे। तो अनवर, वो जो टाइम पीरियड था, अपार्ट फ्रॉम जो आप मेंटली फील कर रहे थे उस समय, क्या आपको कभी ये लगा कि मैं उस लेवल तक पहुँच पाऊँगा वापस कि नहीं? आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? एक्चुअली मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं वापस जो फुटबॉल खेल रहा था मैं उस पर पहुँच पाऊँगा। जो मेरे को न्यूज़ मिली थी वो अलग ही शौक था, मेरे को रिमाइंडर आता रहता था बार बार, पर जो मेरे साथ लोग थे, सपोर्टर थे, लाइक वर्ल्ड कप टाइम मैंने अच्छा परफॉर्म किया,
तो फैन फॉलोइंग थोड़ी अच्छी थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को वो बैड टाइम में. तो मेरे फैमिली मेंबर जैसे जैसे मेरी फैमिली होगी, हमारा कांटेक्ट हुआ था संजय शर्मा से, डॉक्टर संजय शर्मा, वो इंग्लैंड में रहता है. तो उनके बहुत सारे लिंक है प्रीमियर लीग में. तो उनके थ्रू मैं लेता था कि मैं मेडिकल बेचता था अपनी, तो उनको पूछता था कि क्या कर सकते क्या नहीं. तो उन्होंने बोला कि तू ठीक है, ये मेडिकल में इशू है, वो थोड़ा इशू मतलब ज़्यादा नहीं है, तो तू खेल सकता है, तू कंटिन्यू कर सकता है. तो बोला कि एवरी ईयर तू अपनी रिपोर्ट भेजता रहे, मैं चेक करूँगा, उसके हिसाब से बताएंगे कि क्या करना क्या नहीं आगे, जब तक कुछ बुरा ना हो. तो मैं एवरी ईयर ऐसे करता हूँ, अभी डिटेल्स भेजता हूँ अपनी मेडिकल की उधर. तो उनके सहारे से फिर मैं खेल रहा हूँ, उन्होंने अलाउ कर दिया मेरे को, तो फिर इंडिया में मतलब प्रोफेशनली खेलने का अलाउ हो गया मेरे को. तो और फिर आपको चांस मिला वापस से आईएसएल में आने का. फिर आईएसएल में चांस मिला. मेरे को उस मोमेंट के बारे में बताइए. पहले तो मैं शौक हुआ कि मेरे को ऑफर मिल गया, क्योंकि मैं वही चीज़ का वेट कर रहा था जो मेरी लाइफ में पहले हो रही थी, कि वो मोमेंट कब वापस आए. तो थोड़ा एक्साइटेड था मैं खेलने के लिए, थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि इतने टाइम बाद आप बड़े लेवल पर खेलोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी चाहिए उसके लिए. अनवर, आपने वो मेंटली शेक ऑफ कैसे किया कि यार मैं अपने आप को तो स्ट्रांग बना के खेलते रहूं, कि मेरे में कुछ खराबी नहीं है, मैं आगे बढ़ते चलूं, वो आपने कैसे ओवरकम किया मेंटली? तो मेरे माइंड में आता रहता था कि मेरे को प्रॉब्लम है. तो क्योंकि एक सीजन तो मेरा ऐसे गया कि मैं सोचता रहता था, मतलब नॉट डेली, कभी कभी, क्योंकि आपके लाइफ में इतना बड़ा कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में कभी ना कभी ऐसी चीज़ आ ही जाएगी, किसी ना किसी को देख के ही आ जाएगी कि कोई की प्रॉब्लम है तो उसको देख के अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है. तो बहुत डिफ़िकल्ट था वो मोमेंट, एक साल सीजन आईएसएल में, पर ग्राउंड में मैंने अपना फुल 100% दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो आउटसाइड द फील्ड चल रहा है वो ग्राउंड में ना लेके जाऊँ मैं. तो वो सीजन मेरा आउटसाइड द फील्ड अच्छा नहीं गया, पर इन द फील्ड मैंने अपना 100% दिया. तो उसके बाद दो साल मेरे गोवा में कैसे निकल गए पता नहीं चला. उधर एक वाइब अलग ही वाइब मिल गई थी, क्योंकि सबके साथ लाइक धीरज है, उसको पहले से जानता था, मेरा रूममेट था, मेरे को पता है वो कैसा है कैसा नहीं, उसको पता है मेरे बारे में. तो उधर फिर दोस्त काफ़ी बन गए एफसी गोवा टीम के भी, और जर्नी अच्छी थी. चलो एफसी गोवा तो हो गया, मोहन बगान सुपर जैन की भी बात करेंगे, मगर इंडियन नेशनल टीम की बात करते हैं. फाइनली आफ्टर बीइंग कॉल्ड फॉर अ लॉट ऑफ कैंप्स एंड बीइंग टोल्ड दैट यू कांट प्ले, आपको फाइनली वो कॉल अप मिला. डेब्यू मेरा बहरीन में हुआ था. बहरीन में, हाँ. डेब्यू भी लाइक एक मिनट का हुआ था मेरा. हाँ. ऐसी सिचुएशन आती है मैच में कि कोच भी चेंज नहीं कर सकते. तो डेब्यू मेरा ऐसे मेरे को फील लगता है कि अच्छा डेब्यू नहीं हुआ, क्योंकि एक मिनट का डेब्यू था. पर ठीक है, नेशनल टीम के लिए आप एक मिनट भी अंदर जाओ तो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि आप नेशनल टीम के लिए खेलो. फिर सेकंड मैच मेरा प्लेइंग था, तो फिर उसके बाद हमारा एफसी था. फिर इधर एशियन कप के जो क्वालिफायर्स यहां खेले गए, तो इधर यही स्टेडियम है, और मेरा फर्स्ट नेशनल टीम गोल भी इधर ही था अगेंस्ट हांगकांग. करेक्ट. तो ये ग्राउंड में मेरी अच्छी मेमोरीज है. और आप इस ग्राउंड में आप बहुत और भी खेलोगे, क्योंकि आप मोहन बगान और भी रहते के लिए आपने साइन किया है. तो ये क्लब के लिए खेलना थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए इंसान को, क्योंकि अलग प्रेशर रहता है, क्योंकि इतना बड़ा क्लब है, ऑब्वियसली प्रेशर रहेगा सपोर्टर्स का या टीम मैनेजमेंट का, क्योंकि टीम प्लेयर भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है. तो मेरा भी एक था कि मैं खेलूँगा, क्योंकि सबका रहता है कि ये टीम के लिए खेलो आप, तो मेरा वो ड्रीम जैसा तो हो गया पूरा. और उससे बड़ा ड्रीम कि ये क्लब के लिए गोल करना, वो बहुत बड़ी बात है. तो एक अलग ही मेमोरी है मेरा लाइफ में. एंड फाइनली अनवर, हम यहाँ पर बैठे हैं, मोहन बगान सुपर जायंट के सपोर्टर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज ये रहेगा कि हार जीत होती रहती है फील्ड में, तो आप बस हमको सपोर्ट करना, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग अच्छा करेंगे, हम लोग मोटिवेशन रहेंगे. तो यही कहना कि अगर मिस्टेक भी होगी तो आप लोग हमको चेयर अप करना, कि हम अगर हार गए तो नेक्स्ट मैच के लिए चेयर अप करना. मैसेज ये है कि अच्छे से सपोर्ट करो, हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जैसे आप लोग की सपोर्ट रहेगी वैसे हमारा परफॉर्मेंस रहेगा, और इनके लिए तो हम लोग फिर कुछ भी कर लेंगे. चलिए, लवली अनवर, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मी ऑन इन द स्टैंड्स. अनवर, एब्सोल्यूट प्लेजर. थैंक यू. और ये थी अनवर अली की कहानी. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इंडियन सुपर लीग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और इंडियन सुपर लीग को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। हम आपसे मिलेंगे किसी और दिन किसी और प्लेयर के साथ। टिल देन टेक केयर।